ele. Tachibana, yo, Tachibana, good morning. अब good morning time नहीं है. वो मैं चार सो गया था. तो वो मैं आज तुमसे मीटिंग करने आया हूँ कि हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों मिलते रहते हैं. तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए प्लीज, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ. अरे Tachibana, क्या चलो अब हमारी बारी है स्टूडेंट्स. चलो चले. चलो चले. हेलो, आप दोनों क्या खाना पसंद करेंगे? आपके लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. वो मुझे ये मुझे चाहिए था. इंतजार के लिए शुक्रिया. एंजॉय. नहीं ये कोई बात नहीं हुई. हाँ मुझे माफ करना, मैं आपके लिए एक और ले आऊंगा अभी. कितना अजीब है वो बहुत पत्थर दिल है. हमारा मैनेजर जब देखो तब कस्टमर से सॉरी बोलता रहता है. अब उनके पास कोई चॉइस भी तो नहीं है. अरे नहीं, वो हमेशा सॉरी बोलता रहता है लोगों से. वो यहाँ पर आ रहे हैं. ओए, ओए, क्या बात है. देखो तुम्हें ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए, मुझे भी बहुत ज्यादा डांट पड़ी है. देखो यहाँ पे ये कितना काला हो चुका है. हाँ ठीक है, तुम्हारी जेब खुली है. बिल्कुल पागल है वो सब. वो फिर से माफी मांगने चला गया. ये एक ऐसा इंसान है जो कभी मैनेजर से हट ही नहीं सकता. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
तर्जीबाना तुम अब ब्रेक ले सकती हो। ओके। बस इतना ही? ये काफी नहीं है। तुम अभी यंग हो, तुम्हें हेल्दी खाने खाने की जरूरत है। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? जस्ट किडिंग। एक लड़का? वो लड़का, वो हमारे मैनेजर का बेटा है। तो मैंने आपको मेनू लिख दिया है और अभी मैं आपको डिश लेकर आता हूँ। माफ कीजिए। I'm sorry। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी हुई तुम अच्छी हो। उसकी शादी हो चुकी है। ये मैंने कर लिया, अब मैं अपनी बांसुरी बजाऊंगा। ठीक है, तो आपका बिल हुआ। हमें माफ करना। ए रोहन, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया तुम शोर मत करा करो। लेकिन कल मेरा एग्जाम है इसका, तो तुम इसकी प्रैक्टिस यहाँ नहीं कर सकते। मुझे माफ करना चाची बाना मैम। कोई नहीं। नहीं। हेलो, आप दोनों का स्वागत है। आप यहाँ आइए, अपने खाने का मजा ले। रोहन शांत कैसे हो गया? चलो अब तुम कोशिश करके दिखाओ। मुझे लगता है कि उसकी पापा की आंखें हैं। वाह, मैंने कर लिया, मैं पहले से नहीं बचा पाता था। तुम्हारे लिए अच्छा। वो मुस्कुराई। अरे डैड, अब मैं इसे बचा सकता हूँ, पता है? ओ वाह, बहुत अच्छा। देखो मैं बचाता हूँ। ओ टच बना। उसकी देखभाल के लिए आपको परेशानी उठानी पड़ी, माफ करना। इसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने हमारे मैनेजर को देखा? कहाँ गया वो? हाँ, वो बिल्कुल ढीला है हर बात में। जब देखो तब ढीले तरीके से काम करता है। जब से उसने अपनी वाइफ को तलाक दिया है तो तब से ढीला है वो। तो ये रहा तो मुझे माफ करना। हाँ कोई बात नहीं। ओए ओए। क्या वो मुझे पंच करने वाली है क्या? ये AKBC है, द कजामा अजीमा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। आखिरा क्या हम तुम्हारे पास बैठ सकते हैं? क्यों नहीं, चलो खाते हैं। हाँ, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, चूहे मुझे खाने वाले हैं। आकीरा, क्या यही तुम्हारा लंच है? जब से मैंने टीम को छोड़ा है तब से मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ। ओ ये बात है। ओ तो तुम यहाँ पर थे, क्यों? कौन है वो? वो इस स्कूल का सबसे हैंडसम गाय है। हाँ, वो कैप्टन या मातो है। जब वो अपनी प्रैक्टिस करता है तब तुमने उसे देखा नहीं क्या? है ना वो क्यूट? जरूरी नहीं है। तो तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है बताओ? हाँ आज जान लेते हैं। वेल, एग्जांपल के तौर पर कोई ऐसा जिसके बाल घने हो और कभी कभी उसके जिब भी खुले रह जाते हैं और उसे काफी तेज छींक आती है। शांत रहो शिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम मजाक कर रही हो है ना? हाँ, ऐसा लड़का तो, जैसे कि ये तो एक बूढ़ा आदमी हो गया।
ताजी बना किराने मिस कर दिया। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे फेंकते हैं। ये गया। ओह ये चला गया, देखा। हरुका थैंक्स। क्या तुम्हारी मीटिंग हाँ, है? वो कैप्टन की मीटिंग है, वो मैं सॉकर टीम की। टूर्नामेंट आने में कुछ ही देरी बाकी है। इस बार थोड़ा मुश्किल होगा, हर कोई इस बार जीतना चाहेगा। अगर तुम होती तो बहुत मजा आता। आखिरा माफ करना तुम्हारी म्यूजिक प्रैक्टिस, तुम्हें उसे जल्द ही खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि बारिश हो सकती है। मैं बताऊँ तो मेरी पैर की हड्डियाँ जवाब दे रही हैं। खैर तुम चिंता मत करो। हेलो। मुझे माफ करना। हे सुनो। क्या बात है? तुम्हें कैसी टाइप पसंद है? मेरी टाइप, चलो मुझे सोचने दो। अगर मैं यहाँ से किसी को चूज करूँ तो मैं मिस्टर केस को करूँगी। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन मैं दूसरे उन ओसाका को नहीं करूँगी। वो बिल्कुल पत्थर की तरह है। और बात है कि एक्सप्लेन मैं करूँ तो एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर मिस्टर कोंडो के बारे में क्या? मिस्टर कोंडो? ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा हुआ मैं चुप गया, मुझे अच्छे से बर्ताव करना होगा। ये मैनेजर के बारे में बात कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? सुनो सुनो सुनो। वाह तुम बहुत एनर्जी में हो, चलो जाके टेबल पे सर्व कर दो फूड को। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आप बहुत फनी हैं मिस्टर कोंडो। अपनी बॉडी का ख्याल रखो, हमेशा स्वस्थ रहो। तुम ये कर सकते हो मेरे यजमान। मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया था। अभी इस हाउस में यही है। आप काफी बोर हो रही होंगी कि कब बारिश रुके, है ना? आपको ब्लैक कॉफी पसंद नहीं है? रुको एक सेकंड दो मुझे। ज्यादा देर बोर नहीं होना पड़ेगा, बारिश रुक जाएगी।
हाँ तुम ये मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बारिश रुक जाएगी। मैं कोई अम्ब्रेला नहीं लेके आया। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। आप सब मेरे स्पेयर अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं। हम बहुत लकी हैं। आपका शुक्रिया। कल मिलते हैं। हाँ कल मिलते हैं। तो चिबाना, आप चाहे तो दे सकती हैं। आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। मैं इम्प्रेस्ड हुआ। सुनिए, ये लीजिए मेरे नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल। ओह आपका शुक्रिया। चलो देखते हैं। ताची बना ताची बना ताची बना। आप तो काफी सारा काम करने के लिए तैयार हैं। शायद आपके पास कुछ है जो आप चाहती हैं। मेरे हिसाब से तो आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे लिए मिस्टर कोंडो। क्या आप मुझे घूरना बंद करेंगी? मैं आपको घूर नहीं रही थी। सच में? ये मुझे पक्का घूर रही थी। मिस्टर कोंडो। क्या है बोलिए। मिस्टर कोंडो, क्या आपके फोन में मैसेंजर ऐप है और उसकी आईडी है? ये अगर हो मुझे सके तो खो आप रही है। अपनी आईडी दे दीजिए। आईडी क्या होता है ये? कुछ नहीं, कल मिलते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? चल रहने दो। हाँ सच में क्या कोइंसिडेंस है। वाओ हाँ ताचिबाना, आप यहाँ पर जॉब करती हैं? हाँ मेरी दादी का घर यहीं पर है। ओ तो इसका मतलब हम दोनों साथ साथ रहते हैं। इसका मतलब आप मुझे अपनी आईडी नंबर दे दीजिए प्लीज। इस वीडियो पर 600 लाइक तो बनती हैं गाइस। इतनी मेहनत से पूरे एपिसोड को हमने डब किया है आपके लिए और कोई डब नहीं कर रहा है, और वो भी पूरा का पूरा एपिसोड अवेलेबल आपको दिया है अवेलेबल करके यूट्यूब पर। तो जल्दी से लाइक तो बनता है ना दोस्तों, और कमेंट और एक शेयर तो प्लीज़ यार शेयर कर दो इस एपिसोड को अभी प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट करो। सबसे बढ़िया सपोर्ट आपका यही है कि आप जाएं डिस्क्रिप्शन में एंड एपिसोड को डाउनलोड करें। 1000 लोग में से अगर 200 लोग यूट्यूब पर देखते हैं तो 800 लोग एपिसोड को डाउनलोड करें और जाके देखें। तो प्लीज़ दोस्तों, एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है फुल एपिसोड की। ये भी फुल एपिसोड अपलोड किया है यूट्यूब पे, ये कोई आधा नहीं है, ये फुल एपिसोड है। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एपिसोड 2 भी आप हिंदी में देखें एंड चुनीवियो एंड अदर एनिमे का हिंदी में एपिसोड देखें, तो एटलीस्ट आप में से कम 2000 लोग, इतने सारे व्यूज आते हैं 6000 7000, 2000 लोगों को एपिसोड को डाउनलोड करके देखना होगा। जब तक 2000 लोग नहीं देखेंगे एपिसोड को डाउनलोड करके, तब तक कोई भी एपिसोड हिंदी में जल्दी से डब नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक वीक में आपको 2 एपिसोड मिले तो 2000 लोग एपिसोड को डाउनलोड करके देखें। क्योंकि ब्रो, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों, अगर मुझे
किसी भी डब को करने पे प्रॉफिट होगा तभी मुझे उसमें मजा आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं जल्दी से डब कर पाऊंगा। अगर वहीं पर आप 1000 लोग भी डाउनलोड नहीं करेंगे एपिसोड को तो आपको एपिसोड जल्दी जल्दी नहीं मिल पाएगा, आपको लेट ही मिलेगा क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिलता। इसीलिए एटलीस्ट 2000 लोग तो एपिसोड को डाउनलोड करके जरूर देखें। और अब बात आती है चुनीबियो की। चुनीबियो की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही है कि चुनीबियो के एपिसोड्स कहां गए, चुनीबियो का एपिसोड 3 लाओ, कोड ब्रेकर का एपिसोड 3 लाओ। तो दोस्तों चुनीबियो की प्रॉब्लम ये है कि चुनीबियो का हम एपिसोड जो अपलोड किए थे एपिसोड 1, 2, 3 तो उन तीनों एपिसोड पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, उन तीनों एपिसोड पर कॉपीराइट क्लेम है, वो एपिसोड्स कॉपीराइट क्लेम है, यानी कि सारे के सारे एपिसोड्स कॉपीराइट क्लेम है। हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे हमें उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, वो हमारे चैनल के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल है, उससे हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उसके एपिसोड्स पर क्लेम है। तो अगर आप चुनीबियो का एपिसोड फिर भी चाहते हैं तो 10,000 लोग इस एपिसोड को डाउनलोड करके देख लें, पक्का चुनीबियो की पूरी सीरीज हिंदी में डब कर देंगे हम, एंड एक साथ एपिसोड, एक वीक में एक एपिसोड चुनीबियो का आएगा आपके लिए। बस शर्त यह है कि 10,000 लोग एपिसोड को डाउनलोड करें और देखें, बस इतना ही। इस वीडियो पर 1 महीने के अंदर 10,000 व्यूज हो जानी चाहिए एंड 10,000 डाउनलोडर्स भी एपिसोड के हो जाना चाहिए। डाउनलोड करने का ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके डाउनलोड करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ये कामियो का स्टेशन है, कामियो का। ये स्टैम्प कितना प्यारा है। हाँ ये बहुत क्यूट है, क्या करूँ यार, मुझे ये लेना है, मुझे भूख लगी है, चलो मैकडोनाल्ड चले। हाँ चलो चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है बहुत जोर से। आपका शुक्रिया। इन्हें टेबल 13 पर ले जाओ। अगर आप सब बिजी नहीं हैं तो प्लीज बाहर आ जाइए। आज मैं एक न्यू किचन मेंबर का स्वागत करना चाहता हूँ, आ जाओ। ये एक नया मेंबर है योशी। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मन लगाकर मेहनत करना। यस सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। ताचीबाना। ये तो मेरी टाइप का लग रहा है ये बंदा। यहाँ ऑर्डर्स है, मुझे 2 कॉम्बो चाहिए ए और बी, और दोनों ऑर्डर्स राइस के साथ, वो भी 100। अच्छा तो मुझे ये करना है। ताजी बना, अरे तुम ये मुझे दो, मैं इसे पूरा कर दूंगा मजे से। भुजड़ी तो काम कर साले, निकल इधर आ। ये काफी तेज है ना, हाँ क्या वो हमेशा से ही ऐसा है? हाँ तुम्हारी क्लास में वो पॉपुलर होगा। क्लास? ओ ओ अब समझा, ये वही है जो पिछली रात इसे मिलने आया था। अब तो यहाँ सेंस बनता है कि ये दोनों प्यार में हैं। अरे नहीं, मिस्टर गोंदो अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अरे मैम, फिर मिलेंगे आप सबसे, ओके। आज दिन काफी धीरे धीरे निकल रहा है ना। अरे हाँ चलो खेलते हैं वो वाला जिसमें हम अपनी फेवरेट चीजें बताएंगे। मैं शुरू करूंगी फ्रेंच टोस्ट से।
ओके, अब तुम्हारी बारी अकीरा। सॉफ्ट पिंक फ्लावर्स। पंपकिन पुडिंग। काली बिल्ली सफेद पंजों के साथ। चॉकलेट बनाना सैंडविच। कैंडल्स रेविन के साथ। पैनकेक काफी सारी क्रीम के साथ। रोज सेंटेड हैंड क्रीम। ओए, क्या तुम्हें भूख लगी है? सही कहा तुमने। कैस, ये लोग तो मुझे जला रहे हैं यार, मैं क्या करूँ? सही कहा, मैं उस एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। सॉफ्ट और चुईस चीज ब्रेड। ऐसा कुछ जो मैं दिल से पसंद करती हूँ। ऐसा कुछ जो मैं दिल से पसंद करती हूँ। 2000 पैसों में से आपके। मैं सबको चेक करने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो, बताओ ना। मेरे दिल के करीब तो ये है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी मिले, बस मजे करो। ये भी सच है। ये रहे 250 रुपए आपके। लीजिए सर, आने के लिए शुक्रिया आपका। बॉस। कस्टमर ये भूल गया। सर, आपका फोन, आप भूल गए। अरे नहीं, ये तो बाइसिकल पर है। अब हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। वेल, जब उसे पता चलेगा तो वो वापस आ जाएगा। इस फोन को अपने पास ही रखते हैं। अगर वो अगले रास्ते से कटेगा तो? क्या तुम और दाची बने एक ही साथ स्कूल जाते हो? क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो के? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए, ताचिबाना को क्या पसंद है? हाँ, तुम उसके क्लासमेट हो, तुम्हें पता होना चाहिए। वेल, मुझे उनकी एक ही बात पता है कि वो बहुत तेज भागती हैं। हाँ, बहुत तेज भागती हैं। हाँ, ताचिबाना काफी तेज भागती हैं, पता है? और वो स्पोर्ट फेस्टिवल में बिल्कुल आग लगा देती हैं। जब वो भागती है तो ऐसा लगता है कि वो हवा को चीरती हुई जा रही है। तो उसे स्कूल टीम में होना चाहिए, वो यहाँ पर क्यों है? तुम्हारे स्कूल में ट्रैक टीम और फील्ड नहीं है क्या? ताचिबाना ट्रैक टीम के साथ दरअसल हुआ करती थी, पर ट्रैक टीम के साथ हुआ करती थी। करीब 6 महीने पहले उन्हें चोट लग गई और वाकई में सच में तुमने कमाल कर दिया। वाह वाह, तुम सच में बहुत तेज भागती हो, मैं सच में इंप्रेस हो गया। और फिर उन्होंने दौड़ना छोड़ दिया और अरे माफ करो। सच में तुम कमाल की हो, बहुत तेज भागती हो। और ताजी बना, क्या हुआ? भोसड़ी के लोड़े लग गए। माफ कीजिए। भोसड़ी के माफी से क्या होगा? मुझे माफ करो। अब तुझे धक्का मार के बाहर निकाला जाएगा। सच में? नहीं, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया। और ये क्या? मिस्टर कोचो, मुझे माफ कर दीजिए। आप मैंने कुछ नहीं किया। माफी चाहती हूँ। और सब कुछ ठीक है? क्या? अरे मेरी कार, रेस्टोरेंट का ध्यान रखना। ओके, क्या मैं मैनेजर हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। ताचिबाना, उस बिल की तरफ चलिए, चलिए। मैं आपको उठाता हूँ, चलो। अरे गॉड, मुझे माफ करना, जो भी मैं गलती करने जा रहा हूँ। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। चलिए आइए। तुम्हें मैंने थोड़ा कस के पकड़ा, उसके लिए माफ करना। जब अचानक बॉस, क्या दर्द हो रहा है? नहीं, यहाँ पास में एक क्लिनिक है जहाँ मैं जाती हूँ। क्या हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है? अरे सर। हाँ, आप थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ ठीक है, तुम बेड पर लेट जाओ।
क्या तुम अपने सॉक्स उतार सकती हो? मिस्टर कोंडो, क्या आपको रेस्टोरेंट वापस नहीं जाना? मुझे अब मैं क्या करूं? आज तुम काम पर नहीं आ सकती हो वैसे भी। I'm sorry. ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूरत होगी कई सारी चीजों की। मैं किसकी मदद मांगू? कैसा रहेगा योशीजावा, उसे मैं यहाँ भेज देता हूँ। दरअसल योशीजावा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? नहीं, वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। माफ करना साहब। अच्छा, मैं गलत समझा था, तो माफ करना। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर देना। वैसे अब आप जा सकते हैं रेस्टोरेंट वापस, वहाँ आपके सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो अब इंजरी पे नजर डालते हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सूजन है। मुझे माफ करना कि तुम ये जख्म किसी को दिखाना नहीं चाहती। नहीं, मैं सच में अपने घाव को छुपाना नहीं चाहती थी। हाँ, थैंक्स। क्या अब तुम्हें आराम है? हाँ, मैं ठीक हूँ। सॉरी, मुझे जल्दी जाना होगा। चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं उन्हें बता दूंगी। अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। हेलो, मैं गार्डन रेस्टोरेंट से केंचो बोल रहा हूँ। ताचिबाना, ये सपना है क्या? कैसा है? योशीजावा ने बताया कि तुम्हारे पैर में पहले से ही चोट लगी थी। हाँ, तुमसे ज्यादा काम करवाने के लिए हमें माफ करना। तुम ठीक हो जाओ और फिर अच्छे से काम करना। हाँ, कुछ आये होगा तो बताना, कॉल कर देना। ये मेरा फोन नंबर है। ओके, तो अपना ध्यान रखना। एक काली बिल्ली और सफेद बिल्ली। सैंडल विद रिबन्स। मिस्टर कोंडो,
बोर हो रही हूँ, मुझे कन्विंस्ड हो जाना पड़ेगा। ताजीबाना-सा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा वो हम मिल गए। तुम्हें मैं कॉल करने ही वाला था। सच में तुम बहुत बड़ी सिटी में रहती हो, यहाँ पे तो मेरे पसीने छूट गए। आप यहाँ कैसे आए? तुम किसी की बेटी हो और तुम्हें मेरे रहते चोट लगी, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी मॉम काम पर है। एक परफेक्ट के साथ स्टिकी राइस बॉल और ब्राउन शुगर सिरप और सॉफ्ट ड्रिंक बस। ओके सर। खैर मुझे यहाँ आने से पहले तुमसे पूछना चाहिए था। मैं फिर से आ जाऊंगा। क्या इसकी कोई जरूरत नहीं? मैं ही कुछ ज्यादा जोश में थी, उतावली एकदम। फिर भी मैं तुम्हारी मॉम से माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ यहाँ सच में इसकी कोई जरूरत नहीं। सच में शायद वो नहीं चाहती कि मैं आऊं उसके घर। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा पैर कैसा है? तुम्हें ऐसे चलने से कोई तकलीफ तो नहीं है? ये चोट बस थोड़ी सी ही है। तुम्हें यकीन है? इंजरी की वजह से तुम्हारे नाखून लाल पड़ चुके हैं। नहीं ये तो बस एक ये कलर है। ये तो बस अपने नेल्स को पेंट किया। नाखून को पेंट करना? तुम्हारा मतलब? आपको नहीं पता लड़की अपने नेल्स को पेंट करती है? मुझे लगा कि ये इंजरी की वजह से हुआ है। मुझे तुम्हारे नेल्स पर जब मैंने लाल रंग देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारे नाखून से खून निकल रहा है। आप भी ना, आपको इतना नहीं पता। और वैसे भी ये पिंक है, रेड नहीं। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? Well, मैं सोच रहा था कि तुम अब पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो। तुम अब खुश रहने लगी हो, ऐसे ही मुस्कुराती रहो। ओके तुम अच्छा पहनने भी लगी हो। वेल मैं अपनी ड्रिंक लेकर आता हूं। क्या ये इत्तेफाक था? मुझे थोड़ी अच्छी ड्रेस पहन के आना था। ये काफी अच्छा तरीका है, हमें भी यूज करना चाहिए। हाँ क्या कुछ गलत है? वेल कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि मैंने ये नजारा पहले भी देखा हुआ है। हाँ रुकने के लिए शुक्रिया। पहली बार आए इसमें हो, वो सब कुछ मतलब है जो आपने मंगाया था। एंजॉय। यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत माहौल और खूबसूरत जगह रहती हो, तुम्हें तो कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत ज्यादा घूमने लायक जगह है। हाँ क्या ये जगह बहुत अच्छी है, समझी? इससे अच्छी तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। मैं
आपको पसंद करती हूँ मिस्टर कोंडो। मैंने कह दिया ये सच में तुम्हारा शुक्रिया। मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मुझे सुनकर खुशी हुई। चलो चलो चलो, खा लो इसे, खाओ। अभी तो और ऑर्डर करते हैं, हाँ आज तो पार्टी बनती है। ए, कोई सुन रहा है मैनेजर? अब मैनेजर कहाँ है? चलो ऑर्डर लेके आओ, हमें ऑर्डर चाहिए, हमें खूब खाना पीना यार। मैं आपको पसंद करती हूँ मिस्टर कोंडो। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे नहीं लगा था सच में। शुक्रिया से उनका मतलब क्या था? मुझे अलग तरीके से कहना चाहिए था क्या? जब मैं उदास होती हूँ तभी मुझे स्नैक्स अच्छे लगते हैं। इसलिए तुम ज्यादा खा रही हो। कोई हमसे ऐसा कुछ पूछे, ऐसा कम ही होता है। सही कहा, पूछो इसे, पूछो, बताओ। चलो भी बताओ, क्या बात है? दरअसल कुछ नहीं। ठीक है, बात हुई। आखिर बहुत उदास लग रही है, क्यों है ना? तुम सही बोली, जब देखो तब परेशान रहती है ये। हाँ मुझे लगा आप बहुत दिन बाद मिले। ओह सही कहा तुमने, आप अभी घर जा रही हो? दरअसल मैं अगले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेने वाली हूँ। हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी तुलना में धीमी हूँ। ये बात है कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, माफ करना। एक आइडिया है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? सभी लोग बहुत खुश होंगे और आपकी एडवाइस चाहिए हमें। प्लीज। यान सेंपाई। सेंपाई? क्या? मैं अंदर से जा रही तो इन्हें ले आई। क्या? हे इशी, तुमने कमाल कर दिया सच में। वाओ, सच में मजा आ गया था। आखिरा देखो, इसने अपने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरा
हे, क्या तुम जा रही हो? इसके बाद हम एक फैमिली रेस्टोरेंट जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगी? नहीं शुक्रिया। क्या आपको हमारे साथ आना चाहिए? ओ, मुझे याद आया, आप फैमिली रेस्टोरेंट में काम करते हो, है ना? मेरे पास इसका क्या मतलब समझाना चाहिए? यकीन नहीं होता आप जैसे लड़की कस्टमर सर्विस को सकती है, कैसा लगेगा वहाँ आए? तुम लोग भी ना। अजीवाना सेनपाई कहाँ पे है बताओ? ओह सॉरी, मेरा मतलब दूर है, बाय। ना तुम कमाल की हो, बाकी लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार है। टीचर ने कहा कि हम पिस्टल्स को यूज कर सकते हैं, और सिर्फ 5 पिस्टल्स। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वैसे भी तुम इस क्लब की स्टार बनने वाली हो, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। On your mark, get set. ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बारिश रुक जाएगी। बारिश हो रही है। ताचिबाना, क्या हुआ? अब तुम्हारा पैर ठीक है ना? तुम्हें सर्दी लग जाएगी, अंदर आ जाओ, मैं अभी आ रहा हूं, जल्दी आओ। ताचिबाना, मैं आपको पसंद करती हूँ।
आज बहुत बारिश हो रही है। मैं आपको पसंद करती हूँ। क्या सच में जिसे तुम बदल नहीं सकते उसकी कोशिश मत करो। और जब मैं अपनी फालतू सोच में पड़ता हूँ तब मैं इन खुशबूदार फूलों पर बारिश की आवाज सुनता हूँ। ताजीवान आज काम पर नहीं आई हाँ? मुझे उनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए? हेलो हेलो ताजीवान आखिरा कांग्रेचुलेशन तुम जल्दी ठीक हो गए। शुक्रिया। ज्यादा काम करने की कोशिश मत करना ठीक है ताजीवान। कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ बताइए। इधर कुछ नहीं है। हमेशा की तरह वैसा ही चल रहा है। क्या मैंने कल सपना देखा था? ऐसा लग रहा है जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। मत कहना कि वो एक सपना था। अब समझा शायद ये एक प्रैंक था मेरे साथ। ये इन दोनों की प्लानिंग थी। जब वो मुझसे कह रही थी कि मैं तुमसे पसंद करती हूँ तभी उसे जवाब मेरी वीडियो बना रहा होगा। ये देखो ये वो आदमी से सीरियसली ले रहा है। बहुत मजा आ रही है। मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट करूंगी। आराम से करो ऐसा सोचना आम है। वैसे भी एक 17 साल की लड़की बुढ़े इंसान को क्यों पसंद करेगी? सही कहा ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मेरे जैसे आदमी को पसंद करे। फिर भी मैं सोच में पड़ गया हूं। मिस्टर कोंडो तो मेरे साथ प्रैंक कर रही थी। मिस्टर कोंडो मुझे सिगरेट पीनी चाहिए। आपने हमें सॉफ्ट आजू की पिन जेली दिया उसके लिए। मेरी मॉम चाहती है कि आपका शुक्रिया अदा करूं। क्या? अरे यार प्रैंक करने के साथ साथ मेरी जान भी ले गई है। मैंने इसके लायक बनने के लिए क्या ही क्या है। मैं 45 साल का हूं मुझे रोना आ रहा है। एक 17 साल की लड़की मुझसे क्यों प्यार करेगी? ओ तुम्हें आइसक्रीम खानी है वो अच्छी थी ना अपनी मम्मी को भी खिलाना। और ये मेरा काम था मैं आपको पसंद करती हूँ मिस्टर कोंडो। मैं आपका आंसर जानना चाहती हूँ। हेलो हे अकीरा क्या हमारे साथ कैरियो के चलोगी तुम इसके बाद? हाँ बोलो 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 मैं भी चल रही हूँ। अरे वाह जाओ तुम सब जवान हो मजे से कैरियोके करो। मुझे नहीं आना कराओके मुझे पसंद नहीं है। अकीरा किस बात पे गुस्सा होते मुझसे? ओ नहीं नहीं हूँ पर अभी भी ठीक हो रहा है और ठंड और बुखार भी लग रहा है माफ करना। ठीक है तो फिर अगली बार ओके। हाँ यशी जावा हमारे साथ अकीरा नहीं आ सकती। मुझे पता चल रहा है कि ये कोई सपना या प्रैंक नहीं है। हाँ ताजीवाना मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन तक छोड़ देता हूँ ओके क्योंकि तुम्हारा पैर अभी ठीक हो रहा है तो और हमें उस चीज पे बात करने की जरूरत है। ओ तो तुम योकोहामा जा रही हो है ना? हमें योशी जाना चाहिए वहीं पर एक्सप्रेस ट्रेन रुकने वाली है।
हाँ तो फिर चलते हैं। इससे पहले तुम किस बारे में बात कर रही थी? हाँ मेरे पास इसका जवाब नहीं है। ऐसा क्यों? क्यों माँ? तुम नहीं समझ सकती। नहीं समझी। ताजिबाना मैं 45 साल का हूँ, इसमें देखो फर्क दिखता है, तुम समझो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचे। अरे 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 लेकिन मेरी एज बहुत ज्यादा है। लेकिन आप नहीं हो। लोग क्या कहेंगे समझो। लोग सोचेंगे पैसों के लिए है लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन लेकिन मैं आपको पसंद करती हूँ मिस्टर कोंडो। कितना गंदा टेस्ट है। बस जाकर थोड़ी ताजा हवा ले लेते हैं। हम यहाँ भेगेंगे नहीं। हाँ वो शायद थोड़ा दौड़ भी सकती है। तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? ओह, किसी को पसंद करने के लिए कुछ करना जरूरी नहीं। अगर तुम अपने उम्र के लड़कों को पसंद करो तो क्या हो जाए? नहीं तो मैं करने के हम दोनों अलग हैं। मैं बस पसंद करती हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ मिस्टर कोंडो। मैं बस पसंद करती हूँ। गीली मिट्टी की महक, चमचमाती धूप, गर्मी का एहसास होता है बहुत ज्यादा। और एक 17 साल की लड़की कह रही है कि वो मुझे पसंद करती है। पता नहीं आखिरी बार ऐसा कब हुआ था। ये देखो सकाटा सर। सच में मिस्टर कोंडो अब ऑटो कैसे चल रहा है? हाँ देखो तजीबाना तुम्हें इन सब में फिर से सोचने की जरूरत नहीं है। एक 45 साल का बुढ़ा बिना किसी उम्मीद के यहाँ पर, मैं बस एक बड़ी उम्र का लड़का हूँ। मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? लड़का, आपने खुद को लड़का बोला। मैंने आपको पहले कभी ऐसा बोलते हुए नहीं सुना। तुम कुछ भी नहीं समझती हो ताचीपाना। तुम रहने तो यार कुछ भी नहीं। मेरे साथ डेट पर जाने की कोशिश करनी चाहिए, शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ डेट पे जाएंगे? हाँ एक डेट पर। ओके आपने कहा कि एक बार डेट पे जाना चाहिए मेरे साथ, है ना? ये क्या मेरा मतलब? आपने कहा था है ना?
मेरा ऐसा कहना किसी का दिल खुश कर सकता है। शायद ये एक सपना है। आखिरी बार कब हुआ था मुझे याद नहीं। हाँ मैं ये कह सकता हूँ